मामले के ऐवान में दो अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों अराकीन पार्लियामेंट के माबेन सुलह करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जरताज गुल ने तारिक बशीर चीमा की माफी को कबूल कर लिया। अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की। आपके अंदर बाहर के हकायक को जानता हूँ, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने। इतना जानता हूँ के इनकी सोच हो। मैं कंटिन्यू करें तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। कौमी असेंबली इजलास के दौरान सरताज गुल और तारिक बशीर चीमा में लड़ाई के बाद सुलह। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने दोनों के दरमियान मामला खत्म कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। सब ने जो मेरे लिए फैसला किया कि अगर वो आपके पास अब चलते हैं तो आपको इस बात पे लेट गो करना चाहिए। मैंने इस बात पे लेट गो कर लिया क्योंकि अपॉलोजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ कर दूँ। कौमी असेंबली के इजलास में तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान जरताज गुल बहावलपुर का जिक्र करती रही। वो तारिक बशीर चीमा को बहावलपुर यूनिवर्सिटी तस्वीर स्कैंडल का हवाला देती रही। तकरीर के बाद तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर उन्हें मुबैना तौर पर कुछ नाजेबा अल्फाज कहे, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक बशीर चीमा की तरफ लपके। तहम तारिक बशीर चीमा को रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने हंगामा आराई की और एहतजाज किया। मैंने बयान करने शुरू किया, आपसे बर्दाश्त नहीं होने। बादशाह सुन्नी इत्तेहाद अरकान ने स्पीकर से मुलाकात की और तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तली का मुतालबा किया। तहम स्पीकर कौमी असेंबली ने फरीकैन में सुलह।